नमस्कार मित्रों, टॉक शो में आपका स्वागत है। आज मेरे साथ एक नवी मुंबई के दिग्गज डेवलपर हैं जिनका नाम है श्री राजेश प्रजापति। राजेश प्रजापति जी इज नॉट ओनली अ डेवलपर बट ही इज ऑल्सो द फाउंडिंग चेयरमैन ऑफ नवी मुंबई एंड रायगढ़ क्रेडा MCHI यूनिट एंड ही हैज बीन सक्सेसफुली वर्किंग tirelessly working for the betterment of not only the developer fraternity but also for the home buyers. राजेश जी आपका स्वागत है टॉक शो में। सो राजेश जी, पहले तो आज हम जो वेन्यू में खड़े हैं, जो एग्जीबिशन है क्रेडा MCHI का, उसके बारे में सर आप हमें थोड़ा बताइए प्लीज। देखिए, ये जो 31st एग्जीबिशन प्रॉपर्टी एग्जीबिशन यहाँ पे आयोजित हो रहा है क्रेडा MCHI की तरफ से, क्रेडा MCHI हैज बीन अ पायोनियर इन एग्जीबिशन ऑर्गेनाइजिंग एग्जीबिशन। जब कहीं कोई एग्जीबिशन नहीं होता था तब क्रेडा MCHI एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज करते थे, और ये एक मतलब हम सभी ऑर्गेनाइजेशन सभी एसोसिएशन का सपना होता था कि हम भी ऐसा एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज करें, और क्रेडा MCHI ने सभी वर्गों को और सभी एसोसिएशन को एग्जीबिशन कैसे करना वो सिखाया है। तो दे आर द फादर, वी आर द फादर ऑफ एग्जीबिशन, वी कैन से इन वन वे। तो ये जो एग्जीबिशन है इसमें एक इतना बेहतरीन कॉन्सेप्ट है जो कि जीरो इज आवर हीरो। तो ऐसा थॉट प्रोसेस, ऐसा इनोवेटिव आइडिया सिर्फ क्रेडा MCHI ही ले सकती है, क्योंकि ये यू नो एक अचीवमेंट होता है होम बायर्स का कि वो एक घर खरीदे, और उसमें जो उनको बेनिफिट अगर स्टैम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन का, जो कि सबसे बड़ा एक्सपेंस कंपोनेंट है यू नो व्हेन यू कंपेयर विद GST एंड यू नो स्टैम्प ड्यूटी, तो ये बहुत बड़ा चार्जेस होता है। इन हमारे पनवेल न्यू बॉम्बे एरियाज में कहीं कहीं 7% है जी। तो आज हम यहाँ पे वो जो हम कंसेशन दे रहे हैं, वो जो स्कीम दे रहे हैं कि ज़ीरो, तो इट इज़ समथिंग विच इज़ वेरी वेरी बिग, और इसमें सारे डेवलपर्स अपने तरफ से ये कंसेशन दे रहे हैं, और बहुत ही अच्छा स्कीम है। सारे जो नागरिक हैं, जो सिटीजन्स हैं मुंबई, नवी मुंबई, थाने, सभी से आग्रह से निवेदन है कि सभी यहाँ पर आएँ, इस एग्जीबिशन का लाभ उठाएं। 26, 27, 28 तीन दिन बहुत ही अच्छा भीड़ होने वाला है। हम लोगों तो एक्सपेक्टेशन है कि कम से कम 1,00,000 लोग यहाँ पर आएंगे, और उसमें आप भी आएँ और अपने यू नो सपनों का घर जो है वो साकार करें। अरे वाह, मतलब आई थिंक इससे आसान तरीके से कोई शायद ये एग्जीबिशन को शायद डिफाइन नहीं कर सकता था। थैंक यू राजेश जी, आपकी जो जर्नी रही है एज अ डेवलपर एंड ऑल्सो अ मेंटर फॉर ऑल द डेवलपर्स हु आर इन द रायगढ़ एंड नवी मुंबई एरिया, तो आप हमें ये बताइए जरा कि कैसे आपने अपनी जर्नी शुरू की एज अ डेवलपर, और कैसे आप रायगढ़ के फाउंडर चेयरमैन बने, और वहाँ से फिर क्या क्या दिक्कतें आई आपको इंडस्ट्री को एक स्वरूप देने में और गवर्नमेंट का एक आइडेंटिटी देने में। देखिए, जब हमने ये काम शुरू किया था एग्जीबिशन का 1995 में, मैंने और मेरे ब्रदर ने मिलकर ये कंस्ट्रक्शन कंपनी प्रजापति कंस्ट्रक्शन लिमिटेड की शुरुआत की, और बहुत ही छोटे प्रोजेक्ट्स के 4-5 हज़ार स्क्वायर फीट के प्रोजेक्ट से शुरुआत की नवी मुंबई के पनवेल एरिया में। जब वहाँ पे हम लोग 550-600 के रेट में हम लोग पर स्क्वायर फुट माल बेचते थे, और उससे धीरे 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 करके हम लोगों ने ये स्टेज पर आए। आज यू नो हम जब पीछे देखते हैं तो एक समझ में आता है कि उन दिनों 1996-7-8 में जो बिल्डर्स का जो रवैया एक दूसरे के तरफ था वो बहुत ही यू नो बहुत मित्रता बहुत मित्रता वाला नहीं था, इतना हम बोल सकते हैं। फियर्स राइवलरी इज आल्सो वन वे ऑफ पुटिंग इट, बट यू नो दाग देंगे एक दूसरे को, उस तरीके का ये था। उस माहौल में हमको ऐसा लगा कि नहीं, समथिंग हैज़ टू बी डन, और योगा योग से उस समय निरंजन भाई वॉज द प्रेसिडेंट एंड आई वॉज प्रेसिडेंट ऑफ क्रेडा MCHI रायगढ़, सॉरी क्रेडा BNM रायगढ़ BNM, उस तरफ उन दिनों हमने शुरू किया, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से उसका निर्वाह किया। 4 साल तक मैंने क्रेडा BNM का प्रेसिडेंट बना रहा, और उन दिनों एग्जीबिशन जब हमने ऑर्गेनाइज किया, पहला एग्जीबिशन जो कि पूरी तरह से क्रेडा MCHI ने हमको उसमें सपोर्ट किया था और गाइड किया था, उस एग्जीबिशन में जब लोग आए भर भर के, और यू नो 96, 97, 98, 99 एक पूरा एक सुवर्ण काल नहीं, इट वाज अ वेरी वेरी बैड पीरियड फॉर
फॉर बिल्डिंग इंडस्ट्री 97 to 2001 वॉज द मैक्सिमम रिसेशन पीरियड. उसमें आपको बताएं 30,000 पर स्क्वायर मीटर का जो लैंड था वो 3,000 पर स्क्वायर मीटर में बिक गया लास्ट में. तो ऐसे माहौल में जब कोई भी उधर नहीं आ रहा था, लोगों के एक एक साल तक 10-12-15 बायर्स आते थे. उस समय जब हमने सन 2000 में पहला एग्जीबिशन क्रेडाई बीएनएम के तरफ से किया और लोगों की जो हुजूम आई जी, जो प्रॉपर्टी का बाइंग टोटल चेंज हुआ न्यू बॉम्बे में, लोगों को यूनिटी हारमोनी और यू नो एक्सेसिबिलिटी का पता चला और वहाँ के बाद से वो जो न्यू बॉम्बे का ग्रोथ हुआ है बहुत ही अच्छा ग्रोथ हुआ. उसके बाद सन 2010 में क्रेडा एमसीएचआई ने ये सोचा कि हम लोग और एक्सपांड करेंगे, यूनिट्स अलग अलग जगहों पे यू नो फॉर्म करेंगे. तो उसमें हम लोगों ने क्रेडा एमसीएचआई नवी मुंबई, क्रेडा एमसीएचआई रायगढ़ और आई थिंक क्रेडा एमसीएचआई विरार वगैरह भी हुआ है. तो उन दिनों में 2010-11 में मैं और मेरे साथियों ने मिलके क्रेडा एमसीएचआई रायगढ़ का फाउंडेशन किया. क्या बात. और बहुत ही अच्छा बेहतरीन वर्ष गए. 3-4 साल तक मैं उसका प्रेसिडेंट रहा और इट वाज अ वेरी फिनोमिनल सक्सेस स्टोरी. थैंक यू सर.